अरे हाँ हाँ जिसमें तुम्हारी खुशी जिसमें तुम्हारी मर्जी। आने के बारे में क्या सोचा है, जरा कोशिश करके जल्दी आ जाओ, हमारा दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बिना। अच्छा भाई शादी का क्या इरादा है, तुम्हारे अब्बा भी घर में नहीं होते। अब तुम्हारी शादी हो जाती, बहू घर में आ जाती तो मेरा दिल लगा रहता। अच्छा भाई ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ शाइस्ता से मैं कह दूंगी। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। बच्चा जल्दी है, शाइस्ता से भी कर लूंगा, आप क्या कह रहे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? है बस ठीक। अभी टीपू से बात हो रही थी, वो तुम्हारा बहुत पूछ रहा था। अच्छा कैसे हैं टीबू भाई, कब आ रहे हैं? अरे बेटा आने का तो ऐसा कुछ खास नहीं कहा, बस शादी का जिक्र छेड़ दिया, बुरा मान गया, कहने लगा मुझे शादी करनी ही नहीं है। अरे भाई कुलसुम सही कह रही थी कि बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते, उसको तो मैं लेक्चर देती रहती हूँ और अपने बच्चों का ये आलम है। अब तुम देखो ना, राबिया जैसी लड़की उसको निभाई तो क्या आसमान से कोई हूर परी आएगी? मम्मी अगर भाई अभी शादी नहीं करना चाह रहे तो आप उनके साथ क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? अरे भाई शाइस्ता, कोई जिंदगी ऐसे गुजरती है क्या? आने दो उसे, सामने बिठा के बात करूंगी। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अरे भाई कुलसुम सही कह रही थी कि बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते, उसको तो मैं लेक्चर देती रहती हूँ और अपने बच्चों का ये आलम है। अब तुम देखो ना, राबिया जैसी लड़की उसको निभाई तो क्या आसमान से कोई हूर परी आएगी? कोई इश्क विश्क का चक्कर है ना जाने, हमें तो ये कुछ बताता नहीं है। क्या वाकई टीपू ऐसा है? सबको पता है मगर उसे नहीं पता। मेरा मतलब है कि मुझे ही नहीं पता। अब अमी मैं चलता हूँ, अब काम है, बड़ी देर हो रही है, मुझे चाय शाय पिलाएं राबिया को। अब खुदा हाफिज़। मैं भी यही चाहती हूँ कि शाइस्ता के जाने के बाद मेरे घर को और मेरे टीपू को कोई इसी तरह संभाल ले, क्योंकि शाइस्ता के जाने के बाद मेरा घर बहुत सूना हो जाएगा। जाहिर सी बात है मम्मी, मेरे जाने के बाद किसी को तो ये काम करना ही है ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना। क्या करूं, किसे बताऊं? अम्मी को बताया तो अदनान अम्मी के सामने कुछ ना कुछ करके सच्चा बन जाएगा, और कुछ फायदा नहीं होगा मुझे। भाई भाई को भी कुछ नहीं बता सकती। या अल्लाह, सिकंदर को गंवा कर मैंने कितना बड़ा नुकसान किया है अपना। सिकंदर ही एक आखिरी रास्ता है, बाकी सब दरवाजे तो बंद हो चुके हैं शाइस्ता। लेकिन सिकंदर से रابطہ करूं तो करूं कैसे? नहीं नहीं अपने फोन से तो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या करूं, किससे रابطہ करूं मैं उससे? सकीना सकीना।